What's up? It's Abdul Wadud here. And this is Asad Bangash. And welcome to Asad Bangash. Guys, आज का सीन कुछ यूँ है कि हम इवेंट जा रहे हैं, हुनर इवेंट. लेकिन जब हुनर का नाम आता है तो जाहिर बात है कि कौन सा नाम? सीकॉज यूनिवर्सिटी का नाम सबसे पहले है. So, चलते हैं सीकॉज यूनिवर्सिटी की तरफ. तो आज का व्लॉग जो है वो मैं कवर करूंगा असद की जगह और होप दैट यू विल एंजॉय. गाइस, यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही आवाज सुनाई देगी और वो कौन सी आवाज है? यार वदूद को खतरा फील हो गया, कह रहा है कि यार ये डेंजर जोन में हम आ गए हैं. तो इसके बाद एक कार शो है जो कि मेरी इंटरेस्ट की जगह है, वहाँ पे जाने में जरूर चाहूंगा. ये मेरी इंटरेस्ट की जगह. ये कौन सा ब्रीड है? साइबेरियन हस्की. अच्छा, ये साइबेरियन हस्की. इसकी प्राइस क्या होगी? डिपेंड करता है पेडिग्री वगैरह, पाकिस्तान में 150 तक मिल जाता है. है जो बहुत फ्लफी और अट्रैक्टिव है, तो इसके ओनर से बात करते हैं हम. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम. सर, आप बता सकते हैं कौन सी ब्रीड है और इसकी प्राइस कितनी होगी और कहाँ पे ये मिलता है? ये अलास्कन मलम्यूट है जो कि रेयरली पाया जाता है पाकिस्तान में, और इसकी कॉस्ट राउंड अबाउट 4 to 5 होगी क्योंकि ये बहुत ही रेयर है और ये काफ़ी अच्छा है. इज काइंड एंड प्लेजेंट डॉग. सो ये आप बेसिकली कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान में नहीं था, तो आपने इम्पोर्ट किया है बाहर से कहीं? जी हाँ, मैंने चाइना से इम्पोर्ट कराया था और पाकिस्तान में ये बहुत मुश्किल से मिलेगा. तो अकॉर्डिंग टू हिज साइज लगते हैं कि इसके एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा होंगे, क्या ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल, इसके एक्सपेंसिस कुछ ज़्यादा ही हैं. डॉग फूड और स्पेशल फूड इसके लिए तैयार करते हैं और काफ़ी इसके लिए AC रूम बनाया हुआ है. तो वो थैंक यू जी. ओके, थैंक यू वेरी मच. ये कौन सा ब्रीड है? ये रॉटवाइलर. ये मैंने 2 महीने का लिए थे इस्लामाबाद पेट्स है. हाँ, और इसकी क्या प्राइस है? उस टाइम मैंने 80,000 का लिया था. अच्छा, 2 महीने का. आपने 80,000 की बात करें और पेट शो में हमारे पास कैट्स और डॉग्स तो सिर्फ पेट नहीं हो सकते, तो विद एन अमेजिंग थिंग हमारे पास यहाँ एक रैबिट भी है. तो उनके ओनर से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपका नाम? मारूफ महमूद, लेक्चरर सीकॉज यूनिवर्सिटी. तो आप इस पेट शो में एक अनोखा सा पेट लाई है जो रैबिट है, तो आप इस रैबिट के बारे में बता सकते हैं हमें? ये एक्चुअली अल्बानियो और जो हमारे पास एनागोरा रैबिट है उसकी टाइप है, और इसकी रेड आइज होती हैं. ये आइज अपना कलर अकॉर्डिंग टू द सनलाइट चेंज करते हैं. एंड आई हैव इट फ्रॉम द लास्ट 2.5 इयर्स, और आई वुड से कि मैं इसके रूम में रहती हूँ. सो शी इज़ क्वाइट ट्रेंड, शी इज़ टॉयलेट ट्रेंड, शी इज़ लाइक अ ह्यूमन बीइंग. ये लेस खाती है, शी टेक्स धनिया एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स, एंड शी इज़ फैशन लवर. यू कैन सी इसका अपना ज्वेलरी बॉक्स है घर में, और आज मैं इसको पेट शो में लाई हूँ टू शो द स्टूडेंट्स. और इसकी प्राइस के बारे में बता सकती हैं आप कि अगर कोई लेना चाहे तो इसकी प्राइस कहाँ से कहाँ तक रेंज करती है? इसकी तो प्राइस, शी इज़ प्राइसलेस. ओके, बिकॉज ये मेरा अपना ट्रेन पेट है. बट क्या इसमें फिर और भी टाइप्स आती हैं, तो ये आपको 15,000 to 3,000 तक की रेंज में मिल जाते हैं. टाइप्स पे डिपेंड करता है एंड द लोकेशन यू आर बाइंग इट फ्रॉम. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. ये साइबेरियन हस्की. अच्छा, और क्या प्राइस है इसकी आजकल? इसकी आजकल 4 लाख. ये तो मुझे किसी ने गिफ्ट किया था. अच्छा. हाँ, और बाकी ये बर्फ में होते, इधर नहीं होते. हम लोग इसकी बहुत मतलब देखभाल करते हैं. इसको गर्मी में ठंडा रखना पड़ता है, इसके लिए कूलर लिए हुए हैं, इसके लिए अलग जगह बेसमेंट में बनाई हुई. थैंक यू सो मच. और ब्रीड हमने देखी है जो ये बहुत ही एग्रेसिव है. ये यहाँ पे अगर आपको दिखा सकें कि किंग शेफ है, और हमने ओनर से बात की है क्योंकि हम इसके नज़दीक नहीं जा सकते, ये बहुत ज़्यादा जो है अग्रेसिव है. और किंग शेफ ब्रीड है ये, और क्रॉस वुल्फ जिसे कहते हैं, ओवर क्रॉस वुल्फ, वो ब्रीड है. ये जर्मन है, डबल कोट. अच्छा, इसकी प्राइस क्या है आजकल? ये मुख्तलिफ है, मुझे तो किसी ने गिफ्ट दिया था. अच्छा. हाँ हाँ, वरना मुख्तलिफ है. आजकल मिल जाते हैं तकरीबन कोई 70-80,000 तक. अच्छा. हाँ, तो आप लोग इसको किस तरह पालते हैं? हमारे पास बस अपनी जगह पे ये खुराक देते हैं इसको स्पेशल. हाँ, ये जॉन्स मीट में इसका कुछ मीट का खुराक है वो लाता हूँ. अच्छा. या तो इसके अलावा हो गया, या चिकन हो गया, वो उसको बॉयल करके दे देता हूँ. लेकिन नमक बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करता मैं, नमक से बाल गिराते हैं. जी. यहाँ पे बहुत एग्रेसिव ब्रीड्स के साथ साथ बहुत क्यूट ब्रीड्स भी आई हैं, तो उनके ओनर से पूछते हैं. यहाँ पे हमारे पास एक और क्यूट ब्रीड है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी. आपका नाम? हारून अली खान. सर, आप इसकी प्राइस बता सकते हैं और ये बता सकते हैं ब्रीड कहाँ है, कहाँ पे मिलती है, और ये आपने इम्पोर्ट किया है, लोकली अवेलेबल है पाकिस्तान में? ये तो माल्टीज ब्रीड है,
और तकरीबन 20,000 को आपका पपी मिल जाएगा। ये तो अभी काफ़ी बड़ा हुआ है और ये मेरे ख्याल से चाइनीज़ ब्रीड है। तो इसके क्या एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा हैं या बहुत कम है? आपने इसके लिए स्पेशली कुछ अरेंजमेंट्स की हुई हैं? ये तो आपकी ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। आपको इस जैसा ट्रेन करेगी ये वही कहेगा। अगर आपको चिकन पे ट्रेन करेगी ये चिकन कहेगा, और अगर सादा सालन वालन रोटी वो भी कहता है, सारी चीज़ें कहता है। मतलब ये आप टोटली आप पे डिपेंड है। थैंक यू वेरी मच। वेल, तो यहाँ पे पेट शो के अंदर एक और डॉग जो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है हमें, जो कि वाइट टॉल है, तो इसके बारे में पूछते हैं इसके ओनर से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसकी, इस डॉग की आप हमें ब्रीड, प्राइस, और ये आपने यहीं पर लोकली अवेलेबल है या आपने बाहर से इम्पोर्ट किया, ये बता सकते हैं? ये लोकली ब्रीड है जी, पाकिस्तान की ब्रीड है ये। इसको कहते हैं बूली कुत्ता, और एज इसकी 18 मंथ्स है, हाइट इसकी अभी 32 इंचज़ है, और ये फाइटिंग ब्रीड है। तो इसकी आप प्राइस बता सकते हैं, कितनी प्राइस? प्राइस इसकी 2,50,000, 2,50,000। एज अ पपी आपको मिल जाता है या ये फुली ग्रोन? फुली एडल्ट जो होता है उसकी ये प्राइस है। पप की जो है 50,000-70,000 ये प्राइस है। तो अकॉर्डिंग टू हिज साइज ऐसा तो लगता है कि इसकी एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा होंगी, क्या इस तरह है? जी बिल्कुल एक्सपेंसिव है ये काफ़ी। और इसकी खुराक, इसके फूड कितना कॉस्ट करता होगा आपको? इसको क्या क्या होते हैं? इसको रॉ फूड देते हैं, क्योंकि ये बुली डॉग्स हैं, फाइटिंग डॉग्स हैं, इनको देसी फूड देते हैं, जिसमें चिकन आ गया, बीफ आ गया, कीमा आ गया, इनको इस तरह की चीज़ें देते हैं। ओके सर, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ जी। जिस तरह के यहाँ पे हम पेट्स देख रहे हैं उसके हिसाब से अभी तक हमने जो देखे बहुत एग्रेसिव थे, लेकिन ये वाले बहुत पोलाइट हैं। तो इसके ओनर से बात करते हैं और पूछते हैं इनकी प्राइस, ब्रीड। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप इसकी ब्रीड बता सकते हैं और इसकी प्राइस बता सकते हैं, कितने हैं? जी बिल्कुल, ये हमारे साथ लेब्राडोर है, इसको हमने बच्चा लिए थे उस वक्त 30,000 का था, और अब ये बड़ा हुई तो ये हमने घर के खुराक पे वो किए। तो इसकी आप वो बता सकते हैं, बाहर से आपने इंपोर्ट किए? नहीं नहीं, यहाँ पर लिए। अच्छा जी, तो अकॉर्डिंग टू हिज साइज लगता है कि इसके एक्सपेंसिव और फूड के खर्चे भी बहुत ज़्यादा होंगे, क्या इसी तरह? नहीं, ये घर के खुराक पे आदि है, ये घर का खाता है, वो डॉग फूड नॉट फूड नहीं खाता है, उससे बीमार होता है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया प्लीज़ सब्सक्राइब टू असद बंगस चैनल, लाइक एंड कमेंट। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।